तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि काफी इजी है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन और एक टेबल बनाना रहता है। तो इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि वी आर रोलिंग टू डाई साइमल्टेनियसली एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम इवन हो। ओके तो पहली बात मैं ये चाहूंगा कि आप नोट करो कि इवन नंबर कब कब आता है, किन दो नंबर्स का सम इवन आता है। पहला, या तो दोनों नंबर्स इवन हो या फिर वो दोनों नंबर्स ऑड हो। तो या तो इवन इवन आ जाए या ऑड ऑड आ जाए तो आपका जो सम है दोनों नंबर्स का वो इवन आएगा, राइट। तो आपके दोनों डाइस पे क्या क्या आ सकता है, तो लेट से पहले डाइस पे आ गया वन और दूसरे पर वन, तो वन वन, पहले पे वन, दूसरे पे टू वन टू, तीसरे पे सिमिलरली तीसरे पे वन थ्री वन फोर वन फाइव एंड वन सिक्स। अब हो सकता है पहले पे डाइस पे दो आ जाए और दूसरे पर एक आए तो टू वन, पहले पे दो आए और दूसरे पर आपका दो आए तो टू टू, सिमिलरली टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स, और इसी तरह से आप पूरी टेबल बना लोगे टिल सिक्स सिक्स। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके कितने जो है जो आउटकम है वो ऑड ऑड है और इवन इवन है। तो आप यहां पे पॉपअप देख पा रहे होंगे कि 18 ऐसे आपकी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे या तो इवन इवन है या ऑड ऑड है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि सम आएगा आपका इवन, दैट वुड बी आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यहां पे होगा 1 2 3 4 5 6 6 into 6 दैट इज 36 और आपका फेवरेबल आउटकम है 18। सो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 18 अपॉन 36, सो दैट वुड बी हाफ। तो अगर मैं दो डाइस रोल करता हूं तो प्रोबेबिलिटी आएगी कि उन दोनों पे जो नंबर आया उसका सम इवन हो, दैट वुड बी हाफ।